आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी पर आज सवेरे मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां और विशेष रेलगाड़ियों समेत ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विमान सेवाएं भी फिर शुरू हो गई हैं और अब उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। श्री मोदी ने सचेत किया कि लॉकडाउन के नियमों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और लोगों को एक दूसरे से मिलते जुलते समय 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और जहां तक संभव हो घर पर ही रहने जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने सारे संकटों के बीच देश ने जिस साहस के साथ कोविड-19 का सामना किया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से ये दुनिया के अन्य भागों में फैला। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की मृत्यु दर भारत में बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का आनंद है और ये भारत की जीवन शैली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें वे लॉकडाउन में नई रियायतों की घोषणा कर सकते हैं। श्री चौहान के संदेश का प्रसारण दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स पर होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इनमें से आधे 4,444 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 नए मामले मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,486 तक पहुंच गई है। वहीं 3 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 132 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच जिले में अब कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। कल विभिन्न अस्पतालों से 176 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 1,951 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इधर राजधानी भोपाल में कल कोरोना संक्रमित 45 नए मामले सामने आए। टीकमगढ़ से सुखद खबर आज आई है, 2 कोरोना मरीज ठीक होकर आज घर को लौट गए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है। दमोह में कल शाम एक बार फिर से जिला चिकित्सालय से 2 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 47वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए खंडवा के अनूठे टिप्पी नल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। लॉकडाउन के दौरान खंडवा जिले की 422 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन के काम शुरू किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत 72,494 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बाहरी राज्य से जिले में आए करीब 16,000 मजदूरों को भी मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा नाम राधेश्याम कलमे है, मैं ग्राम पंचायत महलू में सचिव हूँ। लॉकडाउन के कारण ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं किया जा रहा था। 20 अप्रैल के बाद में शासन के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी अंतर्गत काम किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में मजदूर काम करने आ रहे हैं और जो बाहर से आए हैं मजदूर भी मजदूरी के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम राजू मालवी है। हमारे ग्राम फटाजन में लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था और दोबारा काम शुरू किया गया है, जिससे लोगों को मजदूरी मिल रही है और राशि का भी समय पर भुगतान हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु श्रमिकों के बीच सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है तथा कार्य स्थल पर श्रमिकों के हाथ धोने हेतु पानी व साबुन की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रमिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जाने हेतु आयुष विभाग द्वारा काढ़ा पिलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट के शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल चिल्लौद में पदस्थ शिक्षक मनोज कुमार भालाधरे ने कोरोना पीड़ितों के इलाज और अन्य खर्चों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 महीने का वेतन लगभग 44,000 रूपए जमा किए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज आगरमालवा जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
और इटारसी से लगभग 3 किलोमीटर दूर घाटली के पास मुख्य नहर में नहाने गए 2 युवकों में से एक नहर के तेज बहाव में बह गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।